चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है, मतदान जारी है। बाराबंकी की अगर बात की जाए तो 6.11% मतदान हुआ है। अमेठी में अब तक 8.67% मतदान हुआ है। सुल्तानपुर की अगर बात की जाए, सुल्तानपुर में अब तक 9% मतदान, तो श्रावस्ती में 10% मतदान का प्रतिशत है। गोंडा में अब तक 8% मतदान दर्ज किया गया है। कौशाम्बी में 9.35% मतदान हुआ है। रायबरेली की सलोन सीट पर 7.48% मतदान हुआ है। चलिए न्यूज रूम का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी अमित न्यूज रूम से मौजूद हैं। अमित, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए वोटिंग परसेंटेज की हर बार हम बातचीत करते हैं और ये चरण चूंकि हर लिहाज से बेहद जरूरी है, अवध और पूर्वांचल का मिश्रण है इस चरण में, तो ऐसे में इस वोटिंग परसेंटेज को आप कैसे देखते हैं? चलिए ठीक है, रुक करेंगे वापस से। परसेंटेज के बारे में बता दूं, आज 12 जिलों के 61 सीटों पर मतदान जारी है और इसका वोटिंग परसेंट हमारे पास आया 10 जिलों का अभी तक। और बाराबंकी की अगर बात करें तो 6.11% मतदान अभी तक हो चुका है, यानी कि 3 घंटे हो रहे हैं, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है बाराबंकी में। या तो हो सकता है कि वोटर्स का रुझान अभी तक नहीं आया, या फिर हम उम्मीद करें कि आगे थोड़ा जब समय और बढ़ेगा तब यहां पर प्रतिशत बढ़ेगा। इसके अलावा अमेठी की बात करें तो अभी तक जो फीसदी है वो 8.67% मतदान अमेठी में हुआ है। इसके बाद सुल्तानपुर है जहां पर 9% मतदान हुआ है, यानी कि अमेठी और बाराबंकी से थोड़ा सा आगे सुल्तानपुर नजर आ रहा है। इसके बाद गोंडा की बात करते हैं जहां पर 8% मतदान हुआ है। श्रावस्ती में अभी तक इन जिलों से सबसे ज्यादा 10% मतदान हुआ है। कौशाम्बी की बात करें तो ये थोड़ा सा श्रावस्ती से पीछे है, 9.35% मतदान यहां पर हुआ है। रायबरेली की सलोन सीट पर 7.48% मतदान हुआ है और चित्रकूट का भी परसेंट आ चुका है पूजा, 9% मतदान यहां पर हुआ है। बहराइच में अभी तक 7.45% मतदान हुआ है, यानी कि बहराइच भी थोड़ा सा पीछे चल रहा है इन जिलों से। इसके बाद प्रयागराज की बात करें जो कि काफी हॉट सीट बनी हुई है, 8% मतदान प्रयागराज में भी हुआ है। बिल्कुल अमित, देखिए इस चरण की अगर हम बात करें तो अवध और पूर्वांचल का मिश्रण है इस चरण में, और बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 48 सिटिंग एमएलए, उसके अलावा 2 निर्दलीय हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, दिग्गज कह सकते हैं, 11 से ज्यादा ऐसे दिग्गज हैं, नामी चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। पूर्वांचल जो कि हमेशा से ही वोटिंग के लिए जाना जाता है, वोट होते हैं इस क्षेत्र में, तो क्या इसके पीछे रीजन ये समझा जाए कि अभी ठंड का मौसम है, या फिर अभी जैसे जैसे धूप खिलेगी सूर्य चढ़ेगा वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएंगे, या अपेक्षाकृत जैसे पिछले चरणों में हमें देखने को मिला था वोटिंग परसेंटेज कम अब रही है 2017 से? बिल्कुल पूजा, देखा जाए तो इस बार वोटर्स चूंकि और संख्या में जुड़े हैं, युवा वर्ग भी है जो कि सामने आ रहा है वोटिंग करने के लिए, और जब सुबह भी हम अपने सहयोगियों से बात कर रहे थे तो हमने देखा कि युवा वर्ग बहुत उत्साहित था, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी भी तस्वीर आई जहां पर बुजुर्ग और महिलाएं तो पहुंच रही थी लेकिन युवा बहुत पीछे था। तो उम्मीद यही है कि इस बार जिस तरह से रोजगार का मुद्दा बहुत उठा है, विपक्षी पार्टियों ने उठाया है और उत्तर प्रदेश में यह भी हावी रहेगा, और जिस तरह से आपने बात की पूर्वांचल की और 48 विधायक मैदान में है तो कहीं ना कहीं उनकी भी कोशिश होगी अपनी साख बचाने की, और कोशिश ये भी होगी निर्दलियों की कि किस से इन्हें काटा जाए, क्योंकि जो विधायक जो कि सिटिंग थे जिन्हें टिकट नहीं दिया गया उनकी यही कोशिश है कि वो अपने समर्थकों के साथ रहें और कहीं ना कहीं अपनी जो प्रतिष्ठा है वो बचाएं। पूजा, एक और अपडेट इस वक्त हम आपको देना चाहेंगे वोटिंग परसेंटेज पे, 2 जिलों का परसेंटेज और सामने आ चुका है। प्रतापगढ़ में 7.1% मतदान हुआ है, वहीं अयोध्या में, रामनगरी अयोध्या में 9.43% मतदान हुआ है।